नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतीश और आप देख रहे हैं द डेवलपर चैनल। सो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज जियो के ब्रॉडबैंड ऑफर के बारे में। जियो ब्रॉडबैंड ऑफर 3 मंथ फ्री अनलिमिटेड डाटा विथ 70 to 100 Mbps स्पीड। वो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जियो ने ब्रॉडबैंड सेक्टर में अब कदम रख चुका है और टेलीकॉम सेक्टर में धूम मचाने के बाद अब ब्रॉडबैंड इंटरनेट की दुनिया में धूम मचाने की शुरुआत है। सो इसकी शुरुआत मुंबई से हुई है, जहां जियो की ब्रॉडबैंड सर्विस में यूजर्स को 1 Gbps तक की इंटरनेट स्पीड मिलेगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1 Gbps का मतलब होता है कि रिलायंस एक मूवी को 1 सेकेंड में डाउनलोड कर लेगा, या फिर हम यूजर्स हैं, हम 1 सेकेंड में एक मूवी को डाउनलोड कर लेंगे। सो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त स्पीड मिलने वाली है हमको ब्रॉडबैंड में। सो इसके बारे में कुछ और बताता हूँ। सितंबर में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी ने बताया था कि कंपनी घरों के लिए रिलायंस जियो ब्रॉडबैंड फाइबर टू द होम FTTH की टेस्टिंग कर रही है। सो जो फाइबर टू द होम इसकी जो टेस्टिंग हो रही है वो मुंबई में ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, और अगर कहा जाए तो मुंबई में रहने वाले कई लोग रिलायंस जियो की ब्रॉडबैंड सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कंपनी ने सेवा को आधिकारिक तौर पर लॉन्च नहीं किया है, अभी टेस्टिंग हो रही है, और आप चाहकर भी रिलायंस जियो के ब्रॉडबैंड सेवा के लिए आवेदन नहीं कर सकते। अगर सेवा आपके इलाके या बिल्डिंग में उपलब्ध है तो आपको इसका फायदा मिल सकता है। और इतना सब कुछ जानने के बाद मेरी तो मतलब बड़ी उत्सुकता है कि रिलायंस के आने वाले ऑफर्स क्या होंगे और कितने पैसे मुझे देने पड़ेंगे इस सबके लिए। तो जानते हैं इनके ऑफर्स के बारे में और कितने पैसे हमको देने पड़ेंगे इनके बारे में। सो मुंबई में रहने वाले एक शख्स ने मीडिया को बताया कि रिलायंस जियो ब्रॉडबैंड कनेक्शन उसकी बिल्डिंग में है और इसे चुनिंदा लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जैसे कि रिलायंस जियो ने दावा तो 1 Gbps का किया है, लेकिन यूजर 70 से 100 Mbps तक की स्पीड पा रहा कि अभी मौजूदा ब्रॉडबैंड कनेक्शन की तुलना में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जियो के वेलकम ऑफर के तहत रिलायंस ने ब्रॉडबैंड कनेक्शन की भी बात की थी, जिसमें उन्होंने ये भी बता दिया है कि जब ये लॉन्च होगा तो 3 महीने के लिए अनलिमिटेड इंटरनेट आपको दिया जाएगा, और वो भी 70 से 100 Mbps की स्पीड में। और इसके इंस्टॉलेशन और राउटर के लिए यूजर को सिर्फ 4,500 रुपये देने होंगे। सो आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों, आने वाले टाइम में कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है, और ये एक ही कंपनी लेके आ सकती थी रिलायंस। और इसी के साथ दोस्तों, मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स, और मैं इसी तरह के वीडियोस हर 2 दिन 1 दिन में लाते ही रहता हूँ। सो अगर आपको न्यू वीडियोस चाहिए न्यू टॉपिक पे और एकदम ऑथेंटिकेट वीडियो जिसमें कोई भी चीज़ मतलब फेक ना हो, तो आप इस चीज़ को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और इसी के साथ दैट्स ऑल, थैंक यू।